सुबह सुबह पूरी कंपनी रेडी होकर निकल गई है 6:30 बजे। सुबह 5 बजे से नहा रहे सब लोग, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, अंधेरा आ रहा है। आ जा रही गैंग, किधर जा रही है अपनी? हम लोग जा रहे आगरा, झब्बा पहुंचे हुए हैं। शेयर करो, बताओ क्या। वो तो तेरे टाइम ही हटा था ना, वो जब भी इतना बोलने लग जाता बोले मेरे से ज्यादा इसके फॉलोअर्स हो गए। हम याकूब भाई को बना लिया हमारे आगरा के लिए, ताजमहल के लिए। अभी जा रहे चाय पीने, याकूब भाई चाय पीना। चलो भाई, भाई को चलो भाई चाय पीने, चलो चाय पीने भाई, कभी किसको पिलाता नहीं। चलो जा, चल रहे चलो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज फिर एक ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और आज हम लोग जा रहे हैं ताजमहल, संगमरमर की मीनारें देखने जा रहे हैं। सब लोग रेडी हो गए सुबह सुबह 6 बजे और सब 5 बजे से सब लोग नहाना धोना स्टार्ट किए। हम लोग 7 लोग थे तो तैयार होने थोड़ा टाइम लग गया। क्या करता है? कुछ तो खाया नहीं, सबको पूछा दे दे, मांगे दे दे, भाई लोग ले ले। सुबह सुबह 7 बजे यहाँ पे नाश्ता बन रहा है, आलू पराठा चालू है, आलू का पराठा। नहीं गया था उधरी, इधर का प्लान बनाया ना, ये भी बोला भाई उधर का भी कर दूंगा, मतलब बजट में दिख रहा है। अब इतनी दूर से आए तो भाई 150 का मुंह देख के मतलब थोड़ी है। बस देखो, सुबह सुबह यहाँ से आगरा के लिए बस जाती है, मतलब पहले से बुकिंग हुई होती है तो यहाँ पर पैसेंजर वगैरह चल रहे हैं। एक बस आ गई, दो बस आ गई, अभी हमारी बस आई नहीं है, हम वेट कर रहे हैं। गाइस बहुत पहाड़ पे से उतर रहे थे, कपल बैठे थे, उसकी 3 औरत थी। लुक के बारे में यार बताना दे कमेंट में, लाइक करना, जाकेट मेरी है, जो जो जाकेट मेरी है, जाकेट मेरी है, हां ये जाकेट मेरी है। किस साइज की दिख रही है आपको? जाकेट मेरी है, भी कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। ये जाकेट मेरी है, अभी मैं दोबारा जाकेट मेरा है, वीडियो में आप आए ना किसकी है वो जाकेट है, लेकिन मेरी ऑडियंस को मालूम है किसकी है, ऑडियंस को मालूम किसकी है, मूर्ति की जिंदगी है। ऑडियंस आप बताओ। बस में आ गए, एकदम लास्ट वाली सीट मिली हम लोग को, बैठ गए मालूम दिख रहा है वो। पहले मैं रुकाया था ना, और नहीं रुकने वाला ज्यादा, लेकिन फिर भी बोलता आगे एक बार रुक, देखता हूँ। अब भी रुक गई, कहाँ रुका था इसने पहले? यहाँ पर बोला नहीं क्या, वो क्या स्टार्टिंग में जहाँ पर बैठे थे, तो बैठते साथ ही रुकाएगा तो कौन उतरेगा? देखो नहीं आई थी, अब जिसको आई थी कर लियो लोग, ऐसा कैसा बस से हम लोग उतर गए हैं रेड फोर्ट, आगे जा रहे हैं बस वाले, हम सबको आज पूरा दिन बस वाले घुमाएंगे। ये रहा लाल किला, ये आगरा का लाल किला है, बहुत बड़ा है यार, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये हम सब बस वाले एक तरफ, मेरे पीछे है रेड फोर्ट, 1 घंटा मिला है रेड फोर्ट में घूमने के लिए, वो खुद ही पूरा गाइड करेंगे, पूरा घुमाएंगे, उसके बाद लेकर जाएंगे ताजमहल। साथ में मेरा भाई भी है। ये रही हमारी टिकट आगरा फोर्ट। फिलहाल हम लोग ने 2 सिक्योरिटी चेक इन को पास आउट करके यहाँ पर आगे आ गए हैं। स्मॉल टिकट मेरे हाथ में, ये कट कराने के बाद में एक नंबर को दे दूँ, उसका कोई जरूरत नहीं है, फिर भी आप अंकल अपने पॉकेट में रख लीजिएगा सबका। सभी लोग गाइड को फॉलो करने का है, आप इनके साथ जाएंगे, इन्हीं के साथ रिटर्न आएंगे, और जो अपना टाइम है 2:00 दो बजे सभी लोग गाइड का एक ग्रुप बना के जैसे जा रहे हैं, ऐसे एक ग्रुप बना के अपना गाइड के साथ जाएंगे। ये इंग्लिश में हिंदी में पूरा आपको विजिट कराने के बाद में रिटर्न गाड़ी पर लेके, अरे भाई आप टेंशन मत लो, पूरा करा के लेके आएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, पूरा ढंग से आप विजिट करेंगे। अरे साहब आराम से घूम के आएंगे, मेन बिल्डिंग है आपका फोटोग्राफ करने की, एक है ताजमहल, वर्ल्ड के लोग ताजमहल विजिट करने आते हैं, वहाँ मैं आपको ज़्यादा टाइम दूंगा, तो प्लीज़ फॉलो मी गाइड। तो अभी हमको गाइड भी मिल गया है, अभी वो यहाँ किले के बारे में सारी चीज़ें बताएगा, उसके बाद यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे ताजमहल। 1 घंटे का टाइम है, देखते क्या क्या आप पूरी बांध दे, हमको पूरी बांध रहा है, गाड़ी नंबर हमारा 22B से घूम जाएगा, तो फिर एंट्री भी डबल ले लेगा। इंग्लिश में कोड अलग है अपना, कोड आप लोग आगरा फोर्ट के अंदर एंटर कर रहे हैं। इस किले को अकबर ने स्टार्ट किया था 1565 से लेकर
1573 1565 स्टार्ट फॉर द छप्पर आगरा फोर्ट एरिया 2.5 किलोमीटर इनसाइड 94 एकड़ एरिया सो मुगल टाइम दिस फोर्ट लाइक द डिवाइड लाइक द टू पार्ट 75 and 25 75% एरिया नाउडेज ऑक्युपाइड इंडियन आर्मी सो लेफ्ट साइड राइट साइड एरिया जस्ट विजिट लाइक द टूरिस्ट 25% एरिया सो फर्स्ट बिल्डिंग नाउ गो एंटर ऑफ नॉन एज ए ग्रेप्स गार्डन एज द ग्रेप्स गार्डन नॉन एज ए लाइक द हरम क्वार्टर दासियों के रूम फ्रंट ऑफ लाइक द खास महल दैट प्लेस फॉर नॉन एज ए शाहजहां मुमताज बेडरूम सो आगरा फोर्ट एवरीबडी गो विद मी अदरवाइज मिस योर ग्रुप सो 2 o'clock द डिपार्चर टाइम योर बस ओके सो एवरीबडी कम एंटर नाउ ग्रेप्स गार्डन ये हमारे गाइड आगे चल रहे हैं ये गेट देखो माशाल्लाह कितना खूबसूरत और जो 75% ये आपका जो बैक साइड वाला पार्ट है शुरू से अंडर आर्मी के रहा है ठीक है तो हम लोग 25% ये जो विजिट करेंगे जो पहला बिल्डिंग है जो रेड सैंडस्टोन का इसको बोलते हैं जहांगीर महल अकबर ने अपने बेटे के लिए इसको निर्माण कराया था अकबर ने 8 साल रहे आगरा फोर्ट और अपना कैपिटल ऑन बनाया फतेहपुर सीकरी जब फतेहपुर सीकरी का कैपिटल था तो पहला बिल्डिंग अकबर ने इसको बिल्ड किया इसको बोलते हैं जहांगीर महल तो ये बिल्डिंग पूरा रेड सैंडस्टोन का है इसका लाइफ होता है 300 साल 300 साल के बाद ऐसा इसमें लेयर होता है तो बिग डैमेज है तो ये अंडर रेनोवरेशन है इधर टूरिस्ट अलाउ नहीं करते इस गेट के अंदर जाते हैं इसी से बाहर आ जाएंगे तो हम लोग एंटर करेंगे अंगूरी बाग अंगूरी बाग जहांगीर ने अपने शासनकाल में बिल्ड कराया था तो जहांगीर सबसे ज़्यादा लाइक करते थे बिस्की के लिए तो मैं वहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आप लोग आइए अंगूरी बाग में तो अभी जो गाइडर है वो गए पूरे बस वालों को लेकर और हम लोग जो है हमारा ग्रुप अलग से आ गया है क्योंकि हमको फ़ोटोशूट वगैरह करना था एक ही घंटे का टाइम था उसमें भी उन्होंने 20 मिनट मतलब ऐसी हो गया 20 मिनट लाइन लगाने में यहाँ पर देखो गिलहरी देखो कैसा घूम रही है नीचे ये चालू है इनका यहाँ पे फ़ोटोशूट बहुत बड़ा फोर्ट है ये भी लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये अभी हम लोग जा रहे हैं वापस से गाइडर को ज्वाइन करने के लिए हमारा फ़ोटोशूट हो गया है ये जगह देखो गाइस बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत मैंने ट्राइपॉड लाया है लेकिन अंदर ट्राइपॉड यूज़ करना स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है इसलिए मैं ट्राइपॉड यूज़ नहीं कर रहा हूँ और हमारा गाइडर हमारे से नाराज़ हो गया है माशाल्लाह ब्यूटीफुल तो यहाँ पर आप लोग जो मेरे बाजू में देख रहे हो ये अंगूर का बाग है यहाँ का जो राजा था वो उसको विस्की चाहिए था तो विस्की नहीं मिलने पर उसने अपने किले में ही मतलब अंगूर के बाग लगा दिया उसको विस्की चाहिए था उसके बाद में जो मेरे आजू बाजू जितने भी दरवाजे दिख रहे हर दरवाजे में अपनी एक एक वाइफ रखता था या फिर औरत जो भी बोल सकते हो आप और उनको यहाँ पे बीच में मुजरा करवाता था तो ये अभी गाइडर ने बताया मेरा भाई गाइडर को ज्वाइन किया है तो वो मुझे बता रहा है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कहाँ है हमारा गाइडर गाइड है और तीसरा ये सूखा वाला मोड है इसके अंदर वाइल्ड एनिमल्स रहते थे शेर और चीते और चौथा इनर बाउंड्री वॉल है अभी रोड से आप लोग 70 feet अप में खड़े हुए हैं पहले नदी था ना पानी वाला मोड से टच करके निकलती थी अभी नदी देखो उधर फ्लो कर रहा है ना 2007 से पहले नदी देखो बाउंड्री वॉल दिख रहा है वहाँ से टच करके निकलती थी और इस प्लेस को जहानारा पैलेस बोलते हैं जहानारा शाहजहां की बड़ी बेटी थी और कॉर्नर में देखो ये वाला पार्ट बंद कर रखा है टूरिस्ट को अलाउ नहीं करते ये प्लेस है जैस्मिन टावर यहाँ पर औरंगजेब ने अपने पिता को 8 साल अरेस्ट करके रखा था 8 साल कैद ठीक है ना तो उधर यहीं से ताजमहल देखता था अब आप लोग आइए जहाँ उधर जैस्मिन टावर में गाइस यहाँ से दिख रहा है ताजमहल माशाल्लाह अपने पिता को 8 साल नजर कैद रखा था इस एरिया में
क्या वजह थी, क्यों कैद किया? शाहजहाँ ने एक वाइट कलर ताजमहल निर्माण कराने में उस समय 4 करोड़ रुपीज़ यानी 4 करोड़ रुपया खर्च किया था उस ज़माने में। तो शाहजहाँ मुमताज़ मरने के बाद ताजमहल बनाना स्टार्ट किया 22 ईयर्स के बाद। एक ताज और बनाना चाहते थे नदी के उस तरफ, ब्लैक ताजमहल। तो शाहजहाँ ने एक प्लान किया था वाइट कलर ताजमहल मुमताज़ के लिए सिंबल ऑफ लव, ब्लैक कलर ताजमहल शाहजहाँ के लिए सिंबल ऑफ शौरव यानी शोक का प्रतीक होता है। दोनों ताज को एक सिल्वर ब्रिज द्वारा कंप्लीट कराना चाहते थे चांदी के पुल द्वारा। तो औरंगजेब का कहना था माई फादर इन द वेस्टिंग ऑफ मनी, यदि ब्लैक ताजमहल बनाएंगे तो इस पर अधिक पैसा खर्च होगा, उस समय का राजा नहीं उस समय का एक भिखारी रहूँगा, इसी वजह से सारे पावर और नज़र कैद रखा इस टावर में। जब कैद किया था शाहजहाँ की उम्र थी 58 साल, आँखों की रोशनी कम हो चुकी थी, इस टावर से ताजमहल नहीं देख सकते थे। शाहजहाँ की दो बेटियाँ थी जहानारा और रोशनारा। तो जहानारा ने ये एंट्रेंस है ना इसके इनसाइड वाले पार्ट में छोटे छोटे डायमंड फिट कराए थे, तो डायमंड में ये प्रतिनिधित्व करता था। आखिरी बार ताजमहल देखा शाहजहाँ ने 1666 में, यहीं पर उसका इंतकाल हुआ। तो ये देखो ये पूरा बिल्डिंग है ना इटली मकराना मार्बल से बना है, जितने कलर वर्क देखते हैं ये कोई पेंटिंग नहीं है। अदर पेंटिंग होता तो ताज से पहला ये बिल्डिंग बना, ताजमहल से पहले, तो ये सारे कलर गायब हो जाते। ये रियल प्रीसियस स्टोन है जो हम लोग ज्वेलरी में इस्तेमाल करते हैं, राशि रतन है ये। देखो ब्लैक वाला स्टोन देखते हैं ना आप लोग, ये कसौटी पत्थर है, ये बेल्जियम से आया था उस ज़माने में। ग्रीन देखते हैं ये मेलाकीट है, येलो कोरल है, ब्राउन जेस्पर है, देखो डार्क ऑरेंज फ्लावर बने ना दो, ये मदर स्टोन ऑफ द इंडिया गुजरात में निकलता है खम्बात में, तो इसको रूबी बोलते हैं। और देखो कॉर्नर में ब्लू स्टोन लगा, ये लेपिक लेजुरी है, सब्स्टिट्यूट द ब्लू सफायर। तो ये उनके होम टाउन से आया था अफगानिस्तान से। तो लोग बोलते हैं ना शाहजहाँ ने ताजमहल बनाने के बाद सभी के हाथ कटवा दिए थे, राइट? ये सब रूमर है, नो कट द हैंड ऑफ लैंड ऑफ द आइज। उस समय 18,000 लोग मध्य एशिया से आए थे काम करने के लिए, जब ताजमहल बनने के, मध्य एशिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, इस जगह से। तो वो ड्राई एरिया से आए थे वो लोग, तो ड्राई एरिया में सबसे ज़्यादा जो महत्व होता है जो गार्डन का, ग्रीनरी का। तो हर बिल्डिंग के अंदर आप लोगों ने देखा ना ऐसे चार बाग वाला बिल्डिंग है, जो चार बाग वाला जो अवधारणा आया इंडिया के अंदर वो अफगानिस्तान से आया, मुगल लेकर आए। तो अंदर में जो जितना भी बिल्डिंग हम लोग देख रहे हैं वो चार बाग स्टाइल में है, ठीक है? तो अब हम लोग चलेंगे उस वाले पार्ट में, उसको बोलते हैं दीवाने खास। ये 3 रूम है ना, ये मुगल समय के बाथरूम हुआ करते थे, वहाँ से फोटोग्राफी का पॉइंट है, ताजमहल का व्यू आएगा, जासमीन टावर का व्यू आएगा। तो आप लोग आइए दीवाने खास। स्टेट जाके राइट साइड में पहले फोटोग्राफी कर लेना आप लोग। फिलहाल इधर पे फोटो सेशन के लिए थोड़ा टाइम दिया है, तो यहाँ पे सब लोग फोटो वगैरह खींच रहे हैं, क्योंकि यहाँ से दिख रहा है खूबसूरत ताजमहल, दिख रहा होगा आप लोगों को, जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ से दिख रहा है ताजमहल। एक में जानवर रहता था, एक में रेलिंग है, ये सब सेफ्टी है, बाउंड्री है, चार चीज़। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी आए हैं देखने के लिए। ये देखो ये पेंटिंग नहीं है, ये एक एक पत्थर है। विजिट करके आए ना इस प्लेस को बोलते हैं दीवाने खास। यहाँ पर खास खास लोगों के साथ एक मीटिंग होता था, इसको बोलते हैं वैसे लोकसभा। तो इस एरिया में जो काला वाला थ्रोन देखा ना आपने, एक देखा होगा उधर काला वाला थ्रोन है, वहाँ बादशाह बैठते थे। एक वाइट वाला थ्रोन सामने दिख रहा है, यहाँ वजीर बैठता था, बाकी लोग ब्यूटीफुल कारपेट बिछते थे और कवर करते थे कैनोपी से।
सर्दी और गर्मियों के समय मीटिंग बाहर होता था और बारिश के समय इस हॉल के अंदर। तो इस बिल्डिंग को बोलते हैं दीवाने खास। ठीक है, हम लोगों ने डाउन में जो एरिया देख रहे हैं, लोहे के जो गेट लगे हुए ना, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लगाए। इस एंट्रेंस में मुगल समय का मिल्ट हाउस था, यहाँ पर उनकी मुद्राएँ छपती थी। तो इसको बोलते हैं टकसाल। ठीक है, और टकसाल के ठीक सामने ये गार्डन देखते हैं, ये मुगल समय का मीना बाजार हुआ करता था। यहाँ पर अकबर समय में 1000 दासियाँ थीं, तो दासियों को परमिशन नहीं था बाहर जाने के लिए शॉपिंग के लिए। जैसे कोई मुगलों का फेस्टिवल होता था, उससे एक हफ्ते पहले यहाँ शॉप रखते थे, बेचने वाली लेडीज होती थी, परचेज करने वाली लेडीज। तो ये मीना बाजार है। हम लोगों ने लिविंग एरिया देखा, कहीं लकड़ी के डोर नहीं देखे। सामने देखो डोर्स देख रहे हैं हम लोग। हाँ, ये मुगल समय का रिकॉर्ड रूम है, यहाँ पर उनके डॉक्यूमेंट दस्तावेज रहते थे। तो मुगल समय में पेपर नहीं था, यूज करते थे सिल्क और इंक बनाते थे वेजिटेबल कलर का। तो उस समय मुगलों के बाद जब ब्रिटिश लोगों ने एंटर किया इस किले के अंदर, तो सबसे पहले उन्होंने रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय किए थे। ये रूम एम्प्टी है, अब इसके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है। गवर्नमेंट ने इसको कनेक्ट बंद कर दिए क्योंकि लोग इनको रफ यूज करते थे। तो नेक्स्ट हम लोग बिल्डिंग देखेंगे, हाउस ऑफ कॉमन पब्लिक कोर्ट। ये दीवाने खास है, नेक्स्ट देखेंगे दीवाने आम। आइए, आइए इसका। ये रहा वो लकड़ी का डोर, सारे मुगलों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब इधर ही थे। इस प्लेस को बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन। यहाँ पर एक दरबार लगता था, यहाँ उनके मिनिस्टर और लीगल एडवाइजर पब्लिक खड़ा रहता था फोर कोर्ट एरिया में बाहर। अकबर समय में मैं लीगल एडवाइजर टू वाइफ थी, हिंदू और मुस्लिम। तो दोनों साइड में देखो वाल्मीकि बना, लेफ्ट में मुस्लिम बैठते थे, राइट में हिंदू और मिडिल में अकबर रहते थे। अकबर समय में बहुत फेमस थे नवरत्न, राजा मान सिंह, तूड़नबल, तानसेन, अब्दुल प्याजा, अब्दुल रहीम, कोका, अब्दुल फजल, एच बीरबल। तो देखो वाइट वाला थ्रोन है ना, ये यहाँ बीरबल बैठते थे। इस कोर्ट के अंदर 64 पिलर हैं और 64 आर्च हैं। तो इस बिल्डिंग का जो खूबसूरती है, हम लोग उस गेट से, सामने गेट दिख रहा है वहाँ से देखेंगे। इस गेट से आप लोगों ने एंटर किया है आगरा फोर्ट में मुग़ल समय में, यहाँ से केवल रॉयल फैमिली अंदर आता था, बाहर जाते थे। कॉमन लोगों के लिए बैक साइड वाला एंट्रेंस है, यहाँ से एंटर करते थे आर्मी एरिया से। तो आगरा फोर्ट का दूसरा एंट्रेंस है, उसको बोलते हैं दहली गेट। तो वो लोग कॉमन लोग उसी गेट से एंटर करते थे, उसी गेट से बाहर जाते थे। तो ये जो एरिया है हाउस ऑफ कॉमन है, इस बिल्डिंग का खूबसूरती हम लोग गेट से देखेंगे। इसमें 64 खम्भे हैं और 64 आर्च हैं इसके अंदर। तो जितना आप दूरी से देखेंगे उतना इसका खूबसूरती है। क्यों, ये एक बिल्डिंग एक सिमेट्रिकल पैटर्न में बना है, किसी भी साइड से कहीं भी देख सकते हैं आप लोग। तो आप लोग वहाँ पर आइए, वहाँ पे फोटोग्राफी करेंगे हम लोग। गाइस वाकई ये जो रेड फोर्ट है ये देखने लायक है, पैसा वसूल है, बहुत बहुत ज़रूरी ये सब देखना। अभी हम लोग जहाँ पर खड़े थे उसकी खूबसूरती देखने के लिए हम लोग थोड़ा यहाँ से दूर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे गाइडर हमारे को लेकर जा रहे साथ में। इस बिल्डिंग का जो खूबसूरती है, अंदर से नहीं इतना दिख रहा था, आप लोग यहाँ से देखोगे तो कोई पिलर डिफरेंस नहीं है, कोई आर्च डिफरेंस नहीं है, और पिंक का थ्रोन एकदम क्लियर दिख रहा है। ये वाला स्ट्रक्चर नहीं होता था, एकदम क्लियर दिखता, ठीक है ना। तो इसमें देखो दो कॉर्नर में चार पिलर हैं, एक इस कॉर्नर में, एक लास्ट वाले कॉर्नर में, बाकी स्टे राउंड आउटसाइड टू पिलर है, और मिडिल में वन पिलर है। तो 64 खंभे हैं और 64 आर्च हैं इसमें, और एक कमल के फूल के माफिक लगता है। आगरा फोर्ट का देखो ये बिल्डिंग अंडर रेनोवेशन है, जो डोम देख रहे हैं तीन डोम, जब ताजमहल से आप लोग किले की तरफ देखेंगे ना, तो यही बिल्डिंग आपको दिखाई देगा। इसको बोलते हैं मोती मस्जिद। शाहजहाँ ने अपनी रॉयल फैमिली के लिए इसको निर्माण कराया था। इस समय अंडर रेनोवेशन है, इधर टूरिस्ट को अलाउ नहीं करते। अच्छा, 75% एरिया है आगरा फोर्ट का, ये बाउंड्री वॉल के उस तरफ। इस समय अपना इंडियन आर्मी है पैरामिलिट्री के अंदर में, उनका आर्डिनरी वगैरह इस तरह से, तो सिविलियन किसी को परमिटेड नहीं करते हैं। तो ये गेट अपना एकदम स्ट्रेट बाहर जाने के लिए है। राइट में गेट पार करके आप लोग राइट टर्न करेंगे तो आपका गाड़ी है जो रोड साइड में मिलेगा, क्रॉस नहीं करना है।
जैसे आपको पार्किंग में उतारा होगा ना उसने, तो आप गेट के साइड में राइट साइड में क्रॉस, रोड क्रॉस नहीं करना है, आप लोग बस में जाएंगे तो आपका जो बाकी जो टूर है वो आपका टूर गाइड कराएगा, आई एम मोनोमेंट गाइड, ठीक है भैया? तो माय ड्यूटी इज ओवर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, चलो भाई पहुंच, थैंक यू। तो जो रेड फोर्ट का टूर था वो यहीं पे ख़त्म होता है, हमारी जो बस है वो जाएगी ताजमहल। देखो मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, दिल्ली से बहुत सारी टूर गाइड वाली बस निकलती है, अभी हम लोग का जो है एक जन का 160 रुपीज़ लिया उन्होंने, और ये तीन जगह हम लोग को दिया, रेड फोर्ट, ताजमहल, एक और जगह है, तो ये तीनों जगह 160 रुपीज़ में हमको कराया है, और बस का जो चार्ज है वो अलग, हम लोग को दिल्ली से एक बंदे का 600 रुपये लिया गया है रिटर्न का, ठीक है? आप लोग ऐसा कर सकते हो, अगर ये गाइड आपको लेना है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना है, तो आपको दिल्ली से बस मिल जाएगी। चलो अब यहाँ से जा रहे हैं हम, लास्ट टाइम ये देख लो, बहुत खूबसूरत है किला, गाइडर की वजह से इसमें चार चांद लग जाते हैं।